हाय एवरीवन, स्वागत है आपका मिक्स एंडी में। आज मैं बनाने जा रही हूँ एक हेल्दी सी रेसिपी और वेट लॉस रेसिपी और इवनिंग स्नैक्स भी है ये। आप इसको ट्रैवलिंग में जा रहे हैं तब भी इसको लेकर के जा सकते हैं और इसको मॉर्निंग ब्रेकफास्ट में भी ले सकते हैं। तो चलिए जल्दी से बनाना शुरू करते हैं। अगर रेसिपी पसंद आए तो रेसिपी को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। एक पैन के अंदर एक चम्मच ऑयल डाल देंगे। ऑयल को अच्छे से हमें गर्म करना है। उसके बाद में 1/4 स्पून हम राई डाल देंगे और 1/4 स्पून ही इसके अंदर जीरा डाल देंगे। जब ये दोनों अच्छे से चटक जाएं तब इसके अंदर हमें 1/4 कप पीनट डालना है। अब हमें पीनट को भूनना है ताकि इसका कच्चापन ना रहे। 1 मिनट के लिए पीनट को भूनते रहना है। जब इसमें से चटकने की आवाज़ें आने शुरू हो जाएगी तब समझिए कि ये पूरी तरह से भून चुकी है। और ये देखिए एक दो चटकने भी लगी हैं। अब इसके अंदर हमें डालनी है एक बारीक कटी हुई हरी मिर्च डाल देंगे। इसको बिल्कुल बारीक बारीक चॉप कर लिया वो डाल देंगे इसके अंदर। हम यहाँ पर लाल मिर्च पाउडर का यूज़ नहीं कर रहे हैं और 1/4 स्पून इसके अंदर हम हल्दी पाउडर डाल देंगे और इसको भून लेंगे। और देखिए इसको चलाते रहेंगे ताकि हल्दी से क्या बहुत ही अच्छा कलर आएगा इसके अंदर। अब इसके अंदर हमें डालने हैं 2 कप मुरमुरे डाल दें। मुरमुरे डालने के बाद में हमें इसको लगातार चलाते रहना है। इसको अच्छे से हमें भूनना है। इसको 1 से 1.5 मिनट के लिए हम भून लेंगे और जब इसको चलाएंगे तो इसके अंदर जो हमने हल्दी पाउडर डाला है उससे एक बहुत ही अच्छा कलर आएगा। और ये देखिए उसको लगातार चलाते रहेंगे, ये बिल्कुल क्रिस्पी हो जाएंगे मुरमुरे और ये बहुत ही टेस्टी बन करके तैयार होते हैं। ये इवनिंग स्नैक्स में भी बहुत ही अच्छे से काम आते हैं। अगर आप ट्रैवल जा रहे हैं तो ट्रैवलिंग में भी ये काम आते हैं। यहाँ पर हमने भुने हुए चने लिए हैं, उसको भी डाल देंगे और गैस की फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसको लगातार चलाते रहेंगे। जब ये अच्छे से भुन जाएंगे, पक जाएंगे, तब हमें इसको एक बर्तन के अंदर इसको अब हम ट्रांसफ़र कर देंगे। अब ये वैसे तो खाने के लिए तैयार हो चुके हैं। आप इसको बॉक्स के अंदर भर के रख सकते हैं और इवनिंग स्नैक्स में इसको ले सकते हैं। ट्रैवल में भी इसको लेकर के जा सकते हैं। अब इसके ऊपर हम नमक डाल देंगे स्वाद अनुसार और इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। अगर आपने इसको इंस्टेंट खाने हैं तो आप इसके अंदर और भी चीज़ें डाल सकते हैं। ये देखिए तैयार है वैसे तो बन करके, और इसको कटोरी में मैं ये डाल करके दिखा रही हूँ। आप इसको ऐसे आसानी से खा सकते हैं। अब इसके अंदर हमें डालना है बारीक कटा हुआ खीरा डाल देंगे और बारीक कटी हुई प्याज डाल देंगे और 1 बारीक कटा हुआ टमाटर डाल देंगे और यहाँ पर अब आधा नींबू का रस डाल देंगे। इससे ही बहुत ही ज़्यादा चटपटा हो जाएगा। आप इसको इंस्टेंट डाल करके बना सकते हैं। और ये देखिए यहाँ पर इसको मैंने ये मिक्स कर दिया है। इसको बिल्कुल अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे और इससे बहुत ही अच्छा सा टेस्ट आएगा और ये वेट लॉस में भी सहायता करता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें। बेल आइकन का बटन भी दबाएं जिससे कि मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। खाए पिए और एंजॉय करें।